नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि भविष्य में आने वाली मेरी एक भी कहानी को आप मिस ना कर सको। आज की कहानी के लेखक हैं मनप्रीत कौर। तो बिना समय बर्बाद किए कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी है चतुर्गिरी राज्य की, जो चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ था। राज्य में आने जाने वालों को इन पहाड़ों पर चढ़ाई कर यात्रा करनी पड़ती थी। देवव्रत चतुर्गिरी के राजा थे। उनके प्रधानमंत्री काशीनाथ की मृत्यु उपरांत उनके दरबार के निष्ठावान व ईमानदार मंत्री परमवीर को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। जब कभी राजा देवव्रत अन्य राज्यों में किसी उद्देश्य से जाते तो अक्सर परमवीर भी उनके साथ यात्रा करते थे। किसी और के दिमाग में यह बात नहीं आई जो परमवीर के मन में उत्पन्न हुई। एक दिन राजा देवव्रत का दरबार लगा हुआ था और राज्य की समस्याओं व प्रगति के बारे में चर्चा की जा रही थी। परमवीर महाराज को अपनी योजना के बारे में बताना चाहते थे। जब उनकी बारी आई तो वह अपने स्थान पर खड़े हो महाराज से कहने लगे, महाराज, चतुर्गिरी में आने व जाने के लिए हमें पहाड़ों पर से होते हुए यात्रा करनी पड़ती है। अभी जिस रास्ते से हम यात्रा करते हैं उस पर से चलते हुए हमें राज्य से निकलने में ही चार प्रहार लग जाते हैं, जिससे कि बहुत अधिक समय की हानि होती है। परमवीर की बात सुन दरबार में बैठे सभी लोग आपस में धीमे स्वर में चर्चा करने लगे। महाराज भी परमवीर की बात पर विचार करने लगे। आपकी बात तो उचित है परमवीर जी, परंतु हमारे पास यात्रा के लिए अन्य कोई रास्ता भी तो नहीं है। रास्ता नहीं है महाराज, लेकिन बनाया जा सकता है। परमवीर के आत्मविश्वास भरे शब्दों को सुन महाराज सहित पूरा दरबार उन्हें प्रसन्न भरी नजरों से देखने लगा। महाराज, अगर हम उत्तर दिशा में स्थित उगगिरी पर्वत को काट कर रास्ता बनाए तो जिस यात्रा में चार प्रहर लगते हैं उसमें एक और आधे घंटे का प्रहर से भी कम समय लगेगा। परमवीर की बात सुन सबके चेहरे पर ऐसे भाव उतर आए जैसे उसने पर्वत को नहीं बल्कि आसमान को काटने की बात कह दी हो। परमवीर ने अपनी योजना बताना जारी रखते हुए कहा, महाराज, पहाड़ को काटकर रास्ता बनाना कठिन कार्य तो है पर नामुमकिन नहीं। इस पर पूर्ण क्रियाकलाप करने के पश्चात ही यह प्रस्ताव मैंने आपके समक्ष पेश किया है। हजार श्रमिकों के साथ इस कार्य को संपूर्ण होने में एक वर्ष का समय लगेगा और इसमें कुल लागत 5,000 स्वर्ण मुद्राएं लगेंगी। महाराज, इसके साथ ही राज्य में बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या का भी निवारण हो जाएगा। महाराज देवव्रत पूरे ध्यान के साथ परमवीर की बात सुन रहे थे। महाराज ही नहीं बल्कि दरबार के अन्य सदस्य भी परमवीर की बात को गौर से सुन व समझ रहे थे। परमवीर, तुम्हारा यह प्रस्ताव बेहद ही अद्वितीय है, परंतु इसमें लगने वाली लागत का राजकोष पर भारी आर्थिक प्रभाव पड़ेगा। फिर राजकोष को पुनः समर्थन होने में दशक व्यतीत हो जाएंगे। महाराज ने अपनी चिंता जाहिर की। महाराज की बात सुन परमवीर मुस्कुराए और महाराज से बोले, महाराज, आप चिंतित ना हो, मैंने इस योजना को बनाते वक्त सभी पक्षों को ध्यान में रखा था। महाराज, राज्य से अधिकतर आवागमन व्यापारियों द्वारा किया जाता है। सफर का समय कम होने से उन्हें निश्चित तौर पर लाभ होगा। हम नए मार्ग पर व्यापार के लिए जाने वालों पर निर्धारित करेंगे जो कि उनकी आय के समक्ष बहुत ही कम होगा, परंतु इससे राजकोष में हुई हानि एक वर्ष के भीतर ही लाभ में परिवर्तित हो जाएगी। परमवीर के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था। सभी मंत्रियों ने नए मार्ग को स्वीकृति दे दी और शीघ्र ही कार्य भी शुरू हो गया। बेरोजगारों को रोजगार मिल गया था। व्यापारियों के लिए व्यापार का रास्ता सरल होने वाला था और राज्य को कर से मुनाफा होने वाला था। पहाड़ काटने के कार्य को चले 5 माह हो गए थे। एक दिन श्रमिक जोरों से शोरों से कार्य कर रहे थे कि उनमें से एक का औजार किसी ऐसी चीज से टकराया जिसमें घाव होने के साथ ही रक्त का फवारा फूट पड़ा। वह श्रमिक घबरा गया और उसने उस स्थान को अपने साथियों को दिखाया। सभी उस घाव को देख रहे थे कि उनके देखते ही देखते वह घाव भर गया और उस स्थान पर हलचल होने लगी। इसके साथ ही पहाड़ भी कांपने लगा।
श्रमिकों को लगा शायद भूचाल आ गया है। सभी श्रमिक पहाड़ से उतरकर पीछे हटने लगे। सबकी निगाहें पहाड़ पर थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे उन श्रमिकों का खून ठंडा पड़ गया। जिस पहाड़ को वो पिछले 5 महीने से काटने में लगे हुए थे, वो उनकी आंखों के सामने 2 टुकड़ों में बट गया और उसमें से निकला एक दानव। पहाड़ के आकार के उस दानव के सिर पर मुड़े हुए सींग थे। पूरा शरीर मिट्टी के रंग का था, जिस पर घने बाल थे और उसकी आंखें हरे रंग की थी। वह राक्षस छाती पीटते हुए गर्जना के साथ क्रोधित आंखों से श्रमिकों की ओर देखने लगा। जिस श्रमिकों की बुद्धि ने कार्य करना शुरू कर दिया था, वो वहां से भाग खड़े हुए और जो पत्थर बनकर खड़े थे उनको उस दानव ने उठाया और अपने मुंह में डाल लिया। अपने शिकारों को खाने के बाद वो राज्य की ओर बढ़ चला। जब महाराज और परमवीर तक यह बात पहुंची तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन तभी महल की धरती में कंपन होने लगी। महाराज और परमवीर भागकर महल की छत पर पहुंचे तो दूर गांव का दृश्य देखकर हैरान रह गए। उस दानव ने पहाड़ के सबसे नजदीकी गांव पर हमला कर दिया था और वहां जो उसके हाथ लगा उसे अपना भोजन बना लिया। वह गांव महल से बहुत दूर था, लेकिन इतनी दूरी से भी वो विशालकाय राक्षस स्पष्ट दिखाई दे रहा था। जब उस पहाड़ी राक्षस को लगा कि उसकी भूख शांत हो गई है, तो वह पुनः अपनी उत्पत्ति वाले स्थान पर लौट गया और आंखें बंद कर खराटे भरने लगा। महाराज को जब इस बारे में सूचित किया गया तो उन्होंने तुरंत अपनी सेना उस राक्षस को खत्म करने के लिए भेज दी। जब सेना वहां पहुंची तब भी वह राक्षस गहरी नींद में सो रहा था। सैनिकों ने इस बात का लाभ उठाकर उस दानव पर आक्रमण कर दिया, लेकिन उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सेना उसे घाव देती वो कुछ ही क्षण में पुनः भर जाती। 1 सप्ताह तक उस राक्षस को मारने का प्रयास चलता रहा। सेना बढ़ा दी गई, अस्त्र शास्त्र बढ़ा दिए गए, हर संभव कोशिश की गई, लेकिन वह राक्षस बेखबर सा खराटे भरता हुआ सोता रहा। सेना को लगा कि शायद अब यह पुनः ना जागे, लेकिन उनका यह भ्रम शीघ्र ही टूट गया। जब वह राक्षस दहाड़ते हुए जाग उठा और आधी सेना को अपना भोजन बनाकर पुनः सोने चला गया। फिर से उसे मारने के प्रयास किए गए, तरीके बदल गए, हथियार बदल गए, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। 1 सप्ताह बाद पुनः वह राक्षस जागा, कुछ मनुष्यों को अपना भोजन बनाया और सो गया। सबको समझ आ चुका था कि शिकार करने के बाद यह राक्षस 1 सप्ताह तक गहरी नींद सोता है, और साथ में यह भी समझ आ गया था कि इसे मारने का कोई तरीका नहीं है। सैनिकों ने जाने से मना कर दिया और महाराज पर लोगों की उम्मीदें भरी नजरें टिक गई। परमवीर अंदर ही अंदर ग्लाइन से मरे जा रहे थे और एक दिन अकेले ही तलवार उठाकर उस राक्षस का अंत करने निकल पड़े। यह वही दिन था जिस दिन वह राक्षस अपनी साप्ताहिक नींद से जागृत होने वाला था। राक्षस जागा, दहाड़ा और इधर उधर अपने भोजन की तलाश करने लगा, लेकिन वहां किसी मनुष्य को ना देख क्रोध से खड़ा हो गांव की ओर बढ़ चला। उधर से परमवीर चला आ रहा था। सामने से आते उस राक्षस को परमवीर ने ललकारा और युद्ध की चुनौती दे दी। वह राक्षस पुनः गुस्से से दहाड़ा और परमवीर को अपना शिकार बना लिया। चतुर्गिरी राज्य ने एक कुशल मंत्री और साहसिक योद्धा को खो दिया, परंतु परमवीर को अपना ग्रास बनाने के बाद भी उसकी भूख शांत ना हुई और वो राज्य की ओर बढ़ चला। रास्ते में उसे जो मिला, मनुष्य जानवर पक्षी, उसे वह खाता गया और जब उसकी भूख शांत हुई तो वो वापस अपने स्थान पर जाकर लेट गया। राज्य में सूर्य तो रोज निकलता था, लेकिन उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। राजा को हताश देखकर एक दिन उनकी पुत्री राजकुमारी संभवी ने उनसे कहा, पिताश्री, हमने उस राक्षस को हराने की हर संभव कोशिश कर ली, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। पिताश्री, हमें लगता है कि हमें माँ प्रकृति का आह्वान कर उनसे रक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए। महाराज देवव्रत को संभवी के सुझाव को मानने के अलावा अन्य कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा था। सभी प्रकार के प्रयत्न तो कर ही चुके थे उस राक्षस को हराने के, तो यह भी कर लिया जाए। यही सोचकर महाराज ने यज्ञ अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। अगले दिन ही यज्ञ का आयोजन किया गया और राज्य का प्रत्येक व्यक्ति उस अनुष्ठान में पहुंचा। मन में सब माँ प्रकृति में रक्षा की प्रार्थना कर रहे थे। यह यज्ञ 3 दिवस तक चलता रहा। उस राक्षस के पुनः जागने में 1 दिन शेष रह गया था, लेकिन राज्यवासियों को कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। अंत में माँ प्रकृति की कृपा हुई। पद्मनाभन दूर दराज के राज्य स्मृद्धिपुर का राजकुमार
और राजा देवव्रत के प्रिय मित्र राजा विद्याधर का पुत्र था। जब विद्याधर तक देवव्रत के राज्य में आए संकट की सूचना पहुंची तो उन्होंने तुरंत राजकुमार पद्मनाभन को चतुर्गिरी रवाना कर दिया। राजकुमार पद्मनाभन अपने कुछ सैनिकों सहित जब चतुर्गिरी के राज्य में पहुंचा तो राज्य में फैली शांति देखकर हैरान रह गया। जब उसने महल में प्रवेश किया तो देखा कि पूरा राज्य महल में यज्ञ अनुष्ठान के लिए एकत्र हुआ था। 3 दिन तक चला यह यज्ञ आहूतियों के साथ संपन्न हुआ तो पद्मनाभन राजा देवव्रत से जाकर मिला और अपने आगमन का कारण बताया, जिसे सुनकर देवव्रत व्याकुल हो उठे और राजकुमार से तुरंत ही लौट जाने के लिए कहा। लौट जाइए, पद्मनाभन ने आश्चर्य से पूछा। हम लौटने के लिए नहीं, आप ही तो उस दानव का अंत करने के लिए यहाँ आए हैं। राजकुमार पद्मनाभन के वो शब्द गंभीरता और दृढ़ता के साथ कहे गए थे। आप समझने की कोशिश कीजिए पद्मनाभन, वह राक्षस बहुत ही भयानक और विशाल है। उस पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का असर नहीं होता। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरी मित्रता और इस राज्य की अस्मिता पर एक कलंक लग जाएगा। इसलिए मेरी बात मानिए और लौट जाइए। राजा देवव्रत राजकुमार पद्मनाभन से अनुरोध करते हैं। महाराज, आप चिंता ना करें, भले ही उस राक्षस पर किसी भी प्रकार के अस्त्र शास्त्रों का असर ना हुआ हो, पर हमारी यह तलवार यह कोई सामान्य तलवार नहीं है। यह स्वयं माँ भवानी द्वारा हमें वरदान में प्राप्त हुई है। इसका वार कभी खाली नहीं जाता। राजकुमार पद्मनाभन ने राजा देवव्रत को अपनी तलवार दिखाते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो चलिए मेरे साथ। हमें आज ही इस तलवार से उस दानव का अंत करना होगा, क्योंकि कल वह पुनः जाग जाएगा, राजा देवव्रत ने तत्परता से कहा। लेकिन राजकुमार वहीं खड़े रहे। नहीं महाराज, हम उस राक्षस का अंत कल ही करेंगे। हम इस तलवार से सोए हुए प्रतिद्वंदी पर आक्रमण कर माँ भवानी का अपमान नहीं कर सकते। राजा देवव्रत को राजकुमार पद्मनाभन की ये बात बालहट प्रतीत हो रही थी। उन्होंने राजकुमार को बहुत समझाया, पर राजकुमार अपनी जिद पर अड़े रहे थे। अंत में राजा देवव्रत को उनकी जिद के आगे हारना पड़ा। अगले दिन सुबह ही राजकुमार उस राक्षस के ठिकाने पर चल पड़ा। जब पद्मनाभन वहां पहुंचे तो राक्षस नींद में था। पद्मनाभन वहीं खड़े रहकर उसके जागने की प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ी देर बाद वह राक्षस जागा और दहाड़ के साथ अपने जागने का संदेश पूरे राज्य को दिया। भोजन की तलाश में आगे बढ़ा तो पद्मनाभन ने युद्ध के लिए ललकारा। गुस्सैल राक्षस ने पद्मनाभन को मुट्ठी में पकड़ उठा लिया और अपने मुंह की ओर ले जाने लगा। राजकुमार का शरीर उस राक्षस की मुट्ठी में कैद था, लेकिन उसके हाथ मुक्त थे। जैसे ही राक्षस पद्मनाभन को अपने मुख में डालने वाला था, वैसे ही राजकुमार ने अपनी पूर्ण शक्ति के साथ अपनी तलवार राक्षस के माथे में घोंप दी। इस वार से राक्षस की पकड़ ढीली पड़ गई और राजकुमार उसकी कैद से छूटकर राक्षस के सीने पर जा गिरा। राक्षस ने अपनी तलवार से उस राक्षस के हृदय में कई वार किए। पहले तो राक्षस खुद को संभालने की कोशिश करता रहा, शायद इस उम्मीद में कि उसके घाव भर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो वहीं गिर गया। उसके गिरते ही धरती में कंपन हुई। राक्षस के प्राण पखेरु उड़ चुके थे और राजकुमार पद्मनाभन ने विजय प्राप्त कर ली थी। धीरे धीरे राज्य के लोग वहां इकट्ठे हो गए और पद्मनाभन के नाम के जय जयकारे लगने लगे। महाराज देवव्रत ने राजकुमार का कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव उनके समक्ष रखा। पद्मनाभन ने महाराज से कहा, राजकुमारी को अगर इस विवाह से कोई आपत्ति नहीं है तभी मैं उनसे विवाह करूंगा। राजकुमारी संभवी ने विवाह को मंजूरी दे दी। राजा विद्याधर के आगमन के पश्चात राजकुमार और राजकुमारी विवाह बंधन में बंध गए। तो दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कहानी कैसी लगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की तरफ। अमेरिका के कुछ प्रांतों में एक लोक कथा सदियों से सुनाई जाती रही है। यह कहानी एक रोती हुई महिला के भूत की है, जिसे लाल ओराना के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि लाल ओराना ने अपने पति के धोखे से क्रोधित होकर अपने दोनों बच्चों को नदी में डुबोकर मार दिया और जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा और उसने भी नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। लेकिन उसकी आत्मा अपने बच्चों के पास ये दुनिया छोड़कर नहीं जा सकी और तब से वह पानी वाले स्थानों पर रोते हुए अपने बच्चों को तलाशती भटक रही है और जो कोई बच्चा उसे मिल जाता उसे वह अपने साथ ले जाती है। ये क्या देख रहे हो तुम दोनों,
मानसी ने फोन से आती हुई आवाजों को सुनकर पूछा। मानसी की आवाज सुनकर तन्मय और स्पर्श घबरा गए और जल्दी से वीडियो बंद कर दिया। कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही, तन्मय ने झूठ बोलने की कोशिश की। मानसी को आंखें निकालते देख वो समझ गए थे कि उनका झूठ पकड़ा गया है। मॉम, जब हमने स्कूल में अपने फ्रेंड्स को बताया कि इस बार हम घूमने के लिए अमेरिका जा रहे हैं, तो उन्होंने हमें ला लोराना के भूत के बारे में बताया था और हम उसी के बारे में जानकारी ले रहे थे। मानसी ने तन्मय के हाथों से फोन ले लिया। व्यर्थ की अफवाहों पर विश्वास मत किया करो। फोन को साइड में रखते हुए मानसी स्पर्श को गोद में उठा लेती है। बाबू, तुम्हारी बहन बहुत छोटी है और अगर तुम उसे ऐसी वीडियो दिखाओगे तो उसे रात में डरावने सपने आएंगे, थोड़ा तो ध्यान रखा करो। मानसी की बात सुन तन्मय उससे माफी मांगता है। मानसी का परिवार बेहद समृद्ध था। हर छुट्टियों में उनका परिवार विदेश घूमने जाता था और इस बार वो कैलिफोर्निया जाने वाले थे। वहीं मानसी की ननंद भी रहती थी और उन्होंने ही मानसी से इस बार कैलिफोर्निया आने की जिद की थी। अगले दिन सुबह की फ्लाइट से मानसी का परिवार अमेरिका के लिए रवाना हो गया। कैलिफोर्निया का सांता मोनिका शहर समुद्र के किनारे बसा हुआ है। उसी शहर में मानसी की ननंद शोभा अपने पति व दो बच्चों विहान और त्रिशा के साथ रहती थी। शोभा उनके आगमन पर बहुत खुश थी। उनकी खूब आवभगत की गई। सबने अगले दिन घूमने की योजनाएं बनाई। शोभा का घर प्राइवेट बीच के किनारे पर था और वहां पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर इक्का दुक्का ही घर थे। खाना खाने के बाद बातें करते हुए कब रात के 11 बज गए उन्हें पता ही नहीं चला। सब सोने के लिए चले गए लेकिन तन्मय को नींद नहीं आ रही थी। शायद समय बदलाव के कारण ऐसा हो रहा था। उसका गला भी सूख रहा था तो वह उठकर किचन में पानी पीने के लिए चला गया। किचन में बीच की ओर खुलने वाला स्लाइडिंग डोर लगा हुआ था। तन्मय पानी पीकर वापस कमरे में जाने के लिए मुड़ा ही था कि उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने स्लाइडिंग डोर के पास जाकर देखा कि समुद्र तट पर कोई औरत बैठी रो रही थी। तन्मय को भी अन्य बच्चों की तरह घर से सीख मिली थी कि अकेले कहीं मत जाओ और रात में तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ना जाने क्यों तन्मय खुद को रोक नहीं पाया और दरवाजे को खोलकर तट की ओर बढ़ने लगा। वह 12 साल का निडर बालक उस औरत जिसकी पीठ उसकी तरफ थी उससे पूछने लगा, आंटी आप क्यों रो रही हो? तन्मय का सवाल सुन वह खामोश हो गई और तन्मय की ओर मुड़ी तो उसे देखकर तन्मय घबरा गया। सफेद गाउन वाली उस औरत का चेहरा भी बिल्कुल सफेद था, जैसा किसी ने चूना पोत दिया हो। सफेद चेहरे पर काली आंखें और उनमें से बहते रक्त के आंसू। तन्मय भागने को हुआ तो उस औरत ने उसे पकड़कर सीने से लगा लिया। तन्मय छटपटाने लगा और मदद के लिए पुकारने लगा। तन्मय की पुकार के साथ ही उस औरत के रोने की आवाज भी बढ़ने लगी थी। वह जोर जोर से रोने लगी। शोभा अपने कमरे में सो रही थी कि किसी के रोने की आवाज उसके कानों में पड़ी। उठने के बाद शोभा को अचानक से याद आया कि वह लाल लोराना के बारे में मानसी को बताना ही भूल गई थी। हे भगवान, ये लाल लोराना तो इतना तभी रोती है जब कोई बच्चा इसे मिल जाता है, बुदबुदाते हुए शोभा भागकर मानसी के कमरे में गई। शोभा मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि कोई अनहोनी ना घटित हो गई हो। क्या हुआ शोभा? मानसी ने दरवाजा खोलते हुए शोभा से पूछा। ये रोने की आवाज किसकी है शोभा? मानसी के पहले सवाल का जवाब देती उससे पहले ही उसने दूसरा सवाल पूछ लिया। भाभी मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले हम बच्चों को देख कर आते हैं। शोभा को घबराया देख मानसी ने कोई और सवाल नहीं पूछा और उसके साथ बच्चों के कमरे की ओर चल दी। पहले उन्होंने त्रिशा के कमरे में देखा। यहाँ त्रिशा और स्पर्श गहरी नींद में सो रहे थे। शोभा को थोड़ी राहत हुई। फिर दोनों विहान के कमरे में गई। यहाँ सिर्फ विहान ही था। ये तन्मय कहाँ गया? लगता है पानी पीने गया होगा किचन में, मानसी ने तन्मय को कमरे में ना देखकर कहा। लेकिन शोभा के मन में घबराहट उत्पन्न होने लगी थी और उसके माथे पर पसीना आने लगा था। शोभा भागती हुई किचन में गई लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मानसी भी उसके पीछे पीछे आ गई और वो अब रोने की आवाजें भी आना बंद हो गई थी। मानसी ने देखा कि तन्मय किचन में भी नहीं है तो उसे भी थोड़ी घबराहट होने लगी। वह पूरे घर में तन्मय को ढूंढने लगी लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिला। जब वह वापस किचन में आई तो शोभा यथावत स्थिति में खड़ी समुद्र तट की ओर देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। शोभा को यूं देखकर मानसी का डर बढ़ रहा था। शोभा, तन्मय कहाँ है? शोभा प्लीज कुछ तो बोलो।
मानसी ने बुत बनी खड़ी शोभा से पूछा। वो उसे ले गई भाभी, लड़खड़ाती जबान से शोभा ने उत्तर दिया। कौन ले गई? लाल और राणा। तन्मय को ढूंढते हुए सुबह हो गई थी। मानसी और उसका पति जलज यह मानने को ही तैयार नहीं थे कि उनके बेटे को कोई प्रेत आत्मा ले गई है। तन्मय की तलाश में शोभा का पति भी साथ दे रहा था। उधर शोभा इसी गम में रो रही थी कि काश उसने पहले ही उन्हें लाल और राणा के बारे में बताकर सावधान कर दिया होता तो यह अनहोनी नहीं घटती। सुबह से शाम हो गई लेकिन तन्मय का कुछ पता नहीं चला। पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवा दी गई थी और पुलिस तन्मय को ढूंढने में लगी थी। रात के 2 बज रहे थे। मानसी की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। कुछ देर पहले तक बाकी सब भी जाग रहे थे लेकिन कल रात से नींद ना लेने की वजह से सबकी आंख लग गई थी। मानसी फोन में तन्मय की तस्वीर देखकर रो रही थी कि तभी उसे लगा कि कोई और भी रो रहा है। उसने सोचा शायद शोभा रो रही होगी, लेकिन जब वह उसके कमरे में गई तो शोभा कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो रही थी। मानसी ने खिड़की में से देखा कि समुद्र तट पर कोई औरत बैठी थी और रोने की आवाज वहीं से आ रही थी। मानसी के मन में सवाल उठने लगे कि कहीं लाल और राणा वाली बात सच तो नहीं। मानसी ने कुछ नहीं सोचा, बस घर से बाहर निकलकर उस औरत की दिशा में बढ़ चली। उस औरत से जब वह थोड़ा दूर रह गई तो उसके पैर ठिटक गए, लेकिन वह तन्मय को वापस लाए बिना नहीं मानेगी, फिर चाहे इसके लिए उसे प्रेत आत्मा से ही क्यों ना भिड़ना पड़े। मानसी उस औरत के पास गई। क्या मेरा तन्मय तुम्हारे पास है? मानसी ने सीधा सवाल पूछा। उसका सवाल सुन वह औरत उसकी ओर मुड़ी और उसे देखकर मानसी की चीख निकल गई। उस लाल औराने ने मानसी को डरावनी नजरों से देखा। मानसी का शरीर कांपने लगा और डर के मारे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी, लेकिन वह हार नहीं सकती थी। मेरा बेटा कहाँ है? मानसी ने अपनी आवाज को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में कंपन साफ महसूस हो रही थी। देखो, मेरा बेटा मुझे वापस कर दो, नहीं तो तुम्हें एक माँ के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा, मानसी ने उसे धमकी देते हुए कहा, जिसे सुनकर वह जोर जोर से रोने लगी। मानसी को पता था कि एक आत्मा को गुस्सा दिलाना जानलेवा हो सकता है, लेकिन उस वक्त उसे सिर्फ तन्मय की फिक्र थी। अपने बच्चों को तो तूने मार डाला, लेकिन मेरे बच्चों को मैं तुझे मारने नहीं दूंगी। मानसी की बात सुन उस लाल औराना का रोना बंद हो गया, लेकिन क्रोध बढ़ गया। मैंने नहीं मारा मेरे बच्चों को, नहीं मारा मैंने, कहते हुए उसने मानसी का गला पकड़ लिया। मानसी छटपटाने लगी और अपना गला छुड़ाने की कोशिश करने लगी। तभी उस लाल औराना की पकड़ उसकी गर्दन पर से छूट गई और वो वहीं गिर पड़ी। मानसी आधी अचेत व आधी सचेत अवस्था में थी। उसने देखा कि काले कपड़ों में एक व्यक्ति उनकी ओर चला आ रहा है। जब वो करीब आया तो मानसी को समझने में देर न लगी कि वह भी एक आत्मा है। उसका चेहरा लाल और राणा की तरह ही सफेद था, लेकिन उसकी आंखें वो पीले रंग की थी। बच्चा कहाँ है रोसेलिया? उस आदमी ने लाल और राणा से पूछा। लाल और राणा फिर से रोने लगी और ना में गर्दन हिलाने लगी। उस आत्मा के हाथ में एक कोड़ा था जिससे उसने लाल और राणा पर वार किया और वो अब और जोर से रोने लगी। बच्चा कहाँ है रोसेलिया? एक बार फिर से उस आत्मा ने पूछा। नहीं बताऊंगी, तुमने पहले मेरे बच्चों को मार डाला और फिर तुमने मुझे मेरे बच्चों का कातिल बना दिया और अब इन सब बच्चों को मारकर भी मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी, कहते हुए लाल और राणा फिर से रोने लगी। लेकिन वह दूसरी आत्मा हंसने लगी। ओहो रोसेलिया, कितनी अभूत हो तुम, पहले भी तुमने मुझसे उन सब बच्चों को बचाने की कोशिश की, पर क्या बचा पाई? जब तक यह कोड़ा मेरे हाथ में है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी, कहते हुए उस आदमी की आत्मा ने जमीन पर कोड़ा मारा। मानसी अर्धमूर्छित अवस्था में पड़े हुए उनकी बातें सुन रही थी और उसे बहुत कुछ समझ आ रहा था। लाल और राणा वास्तविकता में एक अच्छी आत्मा है जो उन बच्चों को इस आदमी की आत्मा से बचाना चाहती है, और इस आदमी ने ही लाल और राणा और उसके बच्चों का कत्ल किया था। लेकिन जब यह कोड़ा इस आदमी के पास है, लाल और राणा कुछ नहीं कर सकती। मानसी के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने खुद को संभालते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस आत्मा के हाथ से कोड़ा खींच लिया। मानसी का हाथ लगते ही वह कोड़ा राख बन गया। जब उस आत्मा ने देखा कि उसके हाथ में कोड़ा नहीं है तो वह घबरा गया। लाल और राणा की आंखों में क्रोध उमड़ पड़ा और वह उस आदमी की ओर बढ़ने लगी जो अब पीछे हटने लगा था। मुझे माफ कर दो रोसेलिया, मुझे माफ कर दो, वह गिड़गिड़ाने लगा।
लेकिन लालो राणा ने उसकी एक ना सुनी और उस आत्मा का गला घोटने लगी। थोड़ी देर में ही वह आत्मा राख बन गई और पूर्ण रूप से मूर्छा में जाने से पहले मानसी के कानों में रसोलिया के शब्द पड़े, धन्यवाद, अब मैं अपने बच्चों के पास जा सकती हूँ। मानसी को होश आया तो उसने देखा कि वह समुद्र तट पर पड़ी थी। सुबह हो गई थी लेकिन सूरज को निकलने में अभी थोड़ा समय बाकी था। मानसी ने उठकर देखा कि लहरों के बीच कोई पड़ा था। वह भागकर उसके पास गई तो वह तन्मय था। मानसी ने उसे उठाया और देखा कि वह सिर्फ बेहोश था। मानसी तन्मय को गले से लगाकर लालो राणा का धन्यवाद देने लगी जिसने उसके बेटे की उस दुष्ट आत्मा से रक्षा की थी। तो दोस्तों कहानी बस यहाँ ख़त्म होती है। आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। तो मैं अब आप सभी से मिलता हूँ कल रात 8 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।